आप सबको नमस्कार। मैं प्रशांत नारंग सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी में सीनियर फेलो के पद पर कार्यरत हूँ। आज का जो हमारा पैनल डिस्कशन हमने रखा है वो है निर्यात पर पाबंदी के बारे में। हम देखते हैं कि भारत में अक्सर कृषि पदार्थों के निर्यात पर पाबंदी लगाई जाती है। आज हम उसी के बारे में एक विचार विमर्श करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों के जमाने से द्वितीय विश्व युद्ध के समय से भारत में ऐसे बहुत सारे कानून बनाए गए, खास करके एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसमें कि कृषि पदार्थ के निर्यात पर काफी हद तक सरकार को रोक लगाने का अधिकार था। हालांकि वो कानून तो रद्द किया, लेकिन उसके बाद स्वतंत्र भारत की सरकार ने इस पर कानून बनाया और वो कानून जो कि बहुत इमरजेंसी के वक्त में यूज करने का था, वो सरकार अक्सर उस कानून को इन्वोक करके कई तरह के निर्यात पर प्रतिबंध अक्सर लगाती रहती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, सन 2020 में 7 बार प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगाई गई। इस साल गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगाई गई, चावल के निर्यात पर, चीनी के निर्यात पर। ऐसे करके पाबंदी लगाना अब जो है वो जो पहले की बहुत रेयर होता था, बहुत खास हालातों में ही ऐसा किया जाता था, लेकिन अब ये बहुत एक आम बात हो गई है। जब 3 फार्म लॉज पास हुए थे उसमें एक फार्म लॉ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को रिफॉर्म करने के बारे में भी था, और बड़े दुख की बात है कि 2 फार्म लॉज के साथ साथ वो तीसरा जो अमेंडमेंट जो कि केंद्र सरकार के जुरिस्डिक्शन में ही था वो भी उन्होंने वापिस ले लिया। तो ये बहुत अच्छा जो मौका था सुधार का वो भी हमारे हाथ से चला गया। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की मैंने बात की। इसके अलावा एफटीडीआर यानी कि फॉरेन ट्रेड पर जो रेगुलेशन लगाने का कानून है वो एक और कानून है जिसके थ्रू सरकार उस पर रोक लगाती है। एसेंशियल कमोडिटीज में वेयर हाउसिंग कैपेसिटी पर रोक लगता है और क्रिमिनल सैंक्शन होते हैं। एफटीडीआर में निर्यात पर रोक लगाई जाती है। तो जब भी किसी चीज की जो मूल्य है वो हमारे देश की जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें बढ़ जाते हैं, जैसे प्याज का मूल्य अगर बढ़ गया तो उसके निर्यात पर रोक लगाकर सरकार ये सुनिश्चित करती है कि वो जो भी कमोडिटी है वो हमारे यहाँ के जो घरेलू बाजार है उसमें उपलब्ध रहे। जैसे कि प्याज है तो वो और ज्यादा बाहर एक्सपोर्ट ना हो, निर्यात ना हो, और वो अपने घरेलू बाजार में लोगों को सही दाम पर मिलता रहे। लेकिन किसानों को इससे जो है वो उनकी कृषि पदार्थों का सही दाम नहीं मिल पाता, और निर्यात से जो उनको बेनिफिट होना चाहिए था, जो उनको वो लाभ अच्छा कमा सकते थे, वो लाभ नहीं कमा सकते। तो लेकिन इसका जो उसके उपभोक्ता घरेलू उपभोक्ता पर असर पड़ता है और किसान पर असर पड़ता है, वो दोनों एक तरह से बिल्कुल ऑपोजिट है। क्योंकि अगर आप किसान के हितों की देखेंगे तो उपभोक्ता के हितों पर चोट होगी, और उपभोक्ता के हितों को आप सुनिश्चित करने चलेंगे तो किसान के हितों पर चोट होगी। तो इसी विषय में आज हमारे साथ बात करने के लिए हमने 3 खास मेहमानों को बुलाया है। पहले हमारे मेहमान हैं अनिल घनवत जी। अनिल घनवत जी स्वतंत्र भारत पार्टी के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा वो शेतकारी संगठन के भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। शेतकारी संगठन जैसे हम सब जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में स्थित जो किसानों की यूनियन है स्वर्गीय श्री शरद जोशी द्वारा स्थापित, वो शेतकारी संगठन के भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फार्म लॉज जो कृषि कानूनों के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाई थी उसमें से एक चयनित सदस्य अनिल जी भी थे। वो एक्टिविस्ट हैं जो फार्म रिफॉर्म्स की 1990 से इस बारे में बात करते आ रहे हैं। हमारे दूसरे खास मेहमान आज जो हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं श्री भूपेंद्र सिंह मान जी। मान साहब जो हैं वो राज्यसभा में 1990 से राज्यसभा के सदस्य थे, और उन्होंने किसानों के स्ट्रगल के लिए अपना काफी योगदान दिया है। इसके अलावा फार्मर फ्रेंड्स एसोसिएशन के वो एक फाउंडिंग मेंबर रह चुके हैं, जो कि 1966 से है, और वो एक केंद्रीय स्तर पर, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक किसानों की ऑर्गेनाइजेशन थी। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन, ये एक्चुअली यही जो फार्मर फ्रेंड्स एसोसिएशन 1966 में स्थापित थी, ये आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय किसान यूनियन का इसने रूप लिया। आज की डेट में वो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। हमारे तीसरे मेहमान है सागर पिलारे जी, जो कि किसान पुत्र आंदोलन के साथ काम करके पेशे से अधिवक्ता हैं।
और किसानों के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके आगे बढ़ावे के लिए, उनकी उसके लिए वो पूरे जी जान से जुटे हुए हैं। किसान पुत्र आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो इस तरह के कानून जैसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की जो हमने बात की, इनको हटाना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। तो इसी के साथ हम आज का विचार विमर्श शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल है अनिल जी से। अनिल जी, आप किसान खुद भी रहे हैं और किसानों के आंदोलन के साथ काफी समय से जुड़े रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र में खास तौर से प्याज का मुद्दा जो है वो काफी समय से रहा है, तो प्याज के मुद्दे पे अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी प्याज का मुद्दा रहा है और देश भर में ऐसे कई राज्य हैं जहां प्याज के मुद्दे पर सरकारें गिर जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन हार जाते हैं। तो प्याज अपने आप में एक बड़ी जबरदस्त राजनीतिक एक कमोडिटी, उसको पॉलिटिकल कमोडिटी कहते हैं, जिसके सरकारें बन भी सकती हैं और टूट भी सकती हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने बिल्कुल सही कहा कि प्याज एक पॉलिटिकल कमोडिटी बन चुकी है। इससे किसानों को क्या मिल रहा है या ग्राहक को क्या क्या देना पड़ रहा है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। अगले बार फिर से चुन के आना है, जो भी पार्टी सत्ता में है वो ये प्रयास करती है कि अगले बार चुन के आने के लिए प्याज के दाम कम रखे, क्योंकि जब भी प्याज के दाम बढ़ते हैं तो ऑपोजिशन रोड पे आ जाता है, ग्राहक नहीं आता, ऑपोजिशन रोड पे आ जाता है। 5,000 की साड़ियां पहन के ऑपोजिशन की महिलाएं रोड पे आती है और कहती कि प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, इसे गिरा दो। तो ये पॉलिटिक्स है इसमें। इसका नतीजा क्या हुआ? एक समय था कि इंटरनेशनल प्याज के मार्केट में भारत का हिस्सा 40% था, अब वो गिर के 8.5% हो चुका है। क्यों हुआ? तो ये अब्रप्ट एक्सपोर्ट बैंस होती है, स्टॉक लिमिट्स लगाए जाते हैं, या जो रिटेलर्स है, मुझे याद है रिटेलर्स को कंपेल किया था कि आप इस कीमत से ज्यादा में नहीं बेचेंगे, अगर बेचेंगे तो आपको जेल में डाला जाएगा, या फिर जो अड़तिए है, जो ब्रोकर्स है प्याज के कारोबार में, उन लोगों को धमकाया जाता है कि अगर आप ज्यादा दाम में खरीदोगे तो आपके ऊपर ईडी की इंक्वायरी लगाएंगे, इनकम टैक्स की इंक्वायरी लगाएंगे। ऐसे तरह तरह के हथकंडे का इस्तेमाल करके प्याज के दाम नीचे रखने के लिए सरकार ने कोशिश की है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये कांग्रेस ने भी किया, ये जनता पार्टी ने किया, ये भाजपा कर रही है। तो ये जो नीति है सरकार की कि किसानों को कम दाम मिले और ग्राहक खुश रहे और ऑपोजिशन को कोई मौका ना मिले हमारे खिलाफ कुछ एजिटेशन करने का, इस नीति का ये अभी हर्ष है कि आज प्याज का किसान खुदकुशी कर रहा है। आज हम तैयारी कर रहे हैं महाराष्ट्र में कि एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजली का जो बिल है वो हम नहीं भर सके, क्योंकि प्याज के दाम इस साल इतने गिरे रहे कि हमें कुछ नहीं मिला, हमारे जेब में से पैसे गए उसे प्याज उगाने में, और हम बिजली का बिल नहीं भर सकते। और गवर्नमेंट अभी हमारे बिजली के कनेक्शन तोड़ने के लिए उन्होंने एक मुहिम शुरू की है, तो उसके खिलाफ हम आंदोलन की तैयारी में। हम बैंक का कर्जा नहीं चुका सके क्योंकि प्याज का पैसा ही नहीं हुआ, तो हम पैसा कर्जा कैसे चुकाएंगे? कुछ एरिया शुगर केन वाला है, शुगर के एक्सपोर्ट बैन की है, तो फैक्ट्रीज मुसीबत में आ गई, शुगर फैक्ट्रीज, तो वो हमारे FRP भी नहीं दे सकते, तो हम कर्जा कैसे चुकाएंगे? तो जिन लोगों से किसान को अपनी जमीन मॉर्गेज करनी पड़ती है, और अब ये मॉर्गेज की हुई जमीन कॉन्फिस्केट करके उसकी नीलामी करने की घोषणा की, हमें नोटिसेस मिले कि आपकी जमीन चली जाएगी अगर आप पैसे नहीं भरेंगे, तो किसान पैसे कैसे भरेगा? अगर उसके हाथ में एक रुपया भी आने की आप उसमें कुछ कैपेसिटी नहीं रखते तो किसान कैसा कैसे चुकाएगा? इस कर्जे का वो किसान कारण नहीं है, वो किसान खेती नहीं करता, वो सोता ही रहता है, वो दारू पीता है, हम ये सब बातें नहीं है। किसान पैदावार इतना करता है कि देश के पास रखने के लिए जगह नहीं है, आप खा नहीं सकते इतके प्याज, इतना प्याज हम तैयार करते, आप स्टोर नहीं कर सकते इतनी शक्कर है हमारे पास, आप रख नहीं सकते इतना गेहूं चावल हम पैदा करते हैं। तो ये किसान काम करता है लेकिन उसको पैसा नहीं मिलने दिया जाता,
जब भी उसे पैसा मिलने का मौका आता है तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, ये रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, स्टॉक लिमिट्स लगाती है, एक्सपोर्ट बैन करती है, इतना ही नहीं तो ज्यादा कीमत से दूसरे देशों से खरीद के इंपोर्ट करके यहाँ लाती है और सस्ते में ग्राहकों को देती है। तो ये सब राजनीति का मामला है, सिर्फ प्याज नहीं, हर एग्रीकल्चर कमोडिटी के बारे में किया जाता है। जिस कमोडिटी के रेट बढ़ जाते हैं उस कमोडिटी के दाम सप्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ किया जाता है। ऑयल सीड्स कई सालों से एक्सपोर्ट बैन है, इंपोर्ट ड्यूटीज घटा घटा के यहाँ के किसानों को मारा जा रहा है, पल्सेस इंपोर्ट हो रही है उसमें भी एक्सपोर्ट बैन है, ये सब हो रहा है। यानी एक भी कमोडिटी ऐसी नहीं, अब जो नए कानून आए थे उनमें से ये पल्सेस, ऑयल सीड्स, ग्रेन्स, ऑनियन, पोटैटो इसमें से निकाल दिए थे। अगर वो कानून आज होते तो गवर्नमेंट ये सब नहीं कर सकती थी। इसमें फॉरेन ट्रेड एक्ट का भी मामला आ जाता है। ये फॉरेन ट्रेड एक्ट इसलिए बना कि देश की निर्यात बढ़े, उसमें बढ़ावा आ जाए, बढ़ोतरी हो, इसलिए इस कानून का, इस ऑफिस का उपयोग होना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं। हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के बजाय हमारे एक्सपोर्ट कैसे बंद हो इसके बारे में कदम उठाती है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि एक हमारे देश पर कोई विश्वास नहीं करता ट्रेड करने के लिए, हमारी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में खत्म हो रही है। प्याज के बारे में तो हो चुका है, बांग्लादेश एक हमारा अच्छा ग्राहक था, हम जितना भी प्याज एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से 26% बांग्लादेश इंपोर्ट करता था। 2020 में अपन एक दिन रात को ही एक्सपोर्ट बैन कर दिया, जो हमारे ट्रक, हजारों ट्रक बांग्लादेश के बॉर्डर पे खड़े थे, हमारी एक ट्रेन जो किसान रेल है वो कलकत्ता में खड़ी थी प्याज भर के बांग्लादेश एक्सपोर्ट करने के लिए, आपने बैन कर दिया, पूरी प्याज वही सड़ गई। तो बांग्लादेश ने, अरे आप ये क्या कर रहे हो, तो बोले नहीं नहीं हमारे लोगों को खाने को चाहिए। तो बांग्लादेश ने इस साल हमसे इम्पोर्ट बहुत कम किया, उन्होंने प्याज नहीं लिया, प्याज का सीड इम्पोर्ट किया और वो सीड उन्होंने उनके किसानों को दिया और वो उनके किसान अब प्याज उगाएंगे, हमारा एक्सपोर्ट का वहां का मार्केट खत्म हो चुका है। इसी तरह हर चीज के बारे में, इस साल गेहूं के लिए एक मार्केट तैयार करने की हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, इस साल थोड़ा बहुत गेहूं जाता तो अगले साल भी ये देश मांगते, तो एक पंजाब हरियाणा के किसानों के लिए एक अच्छा मार्केट तैयार हो जाता। एमएसपी के में क्यों बेचे जाएगी, एमएसपी अगर 2025 रुपया है और इस साल 2500 रुपए पंजाब के किसानों को मिल रहा था। अनिल जी, उसके लिए गेहूं के लिए हम जाएंगे मान साहब के पास। मान साहब, आप थोड़ा सा बताइए हमें गेहूं के बारे में। हत्या लेकर उनको बात कर लेने दीजिए, उनको बात कर लेने दीजिए, एक दो सेंटेंस है सिर्फ कर ले। नेगेटिवली सब्सिडाइज कैसे होता है किसान, इसके बारे में, अगर 2500 रुपया किसान को मिल रहा था उसके बजाय कंपल्शन है कि 2025 में बेचो, तो ये जो डिफरेंस है ये नेगेटिव सब्सिडी है और इस नेगेटिव सब्सिडी के तहत लाखों करोड़ रुपए किसानों का लूटा है। जितना बकाया हमारे ऊपर कर्जा है उससे कई गुना ज्यादा हमारा कर्जा है सरकार के ऊपर। हम सरकार को कुछ देना नहीं लगते, हमारे पास सरकार के पास हमारे पैसे पड़े हैं, वो कैसे देते हैं उसके बारे में बात की जाए। धन्यवाद सर। धन्यवाद अनिल जी। मान साहब, जो अभी अभी अनिल जी ने दो तीन बातें बहुत मेरे को खास तौर से अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक ये लगी। सबसे पहली बात, उन्होंने एक्सपोर्ट के कुछ आंकड़े पेश किए, उन्होंने कहा कि भारत का एक्सपोर्ट शेयर खास करके प्याज के मामले में 40% से गिरकर 8.5% रह गया। हम एक तरफ सरकार बात कर रही है आत्मनिर्भरता की और किसानों की इनकम, किसानों की आय को दुगनी करने की, और दूसरी तरफ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्याज जो है वो किसान 2020 में जैसे निर्यात नहीं कर पाया। इस साल जहाँ तक बात है तो गेहूं की बात हो रही है, यूक्रेन के युद्ध के कारण दुनिया भर में गेहूं की थोड़ी किल्लत हुई, जिससे भारत के किसानों के लिए एक थोड़ा सा मौका था कि वो गेहूं को अच्छे दामों में बाहर बेच पाते और अच्छी कमाई कर सकते थे, और उसके बाद आगे भारत को और अवसर मिलता अपनी गेहूं के बाजार को बनाने का और बढ़ाने का। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अनिल जी ने जो कहा वो बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है, सारा ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सिम्टम्स के ऊपर मत जाएं, हम जाएं बीमारी क्या है।
आपने ये जो पेपर मुझे दिया है उसमें तीन चीजें आई हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और कंज्यूमर के लिए क्या करना है और आगे हम पॉलिसी में क्या करें। मुझे लगता है इन तीनों चीजों के ऊपर अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन पहली बात मैं कहूँ आपको सभी सुनने वालों को कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ये बेसिक बीमारी है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट अगर इसके इतिहास में जाएं तो 1939 में पार्टीशन से पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर में यह शुरू किया गया था। तो उस वक्त की हालत आगे आगे देखते हैं कि 1947 में ये वही एक्ट आगे चला। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये विधान बना हमारा 1947 में विधान बनना शुरू हुआ, 49 में विधान कंप्लीट हुआ, 1950 में विधान बन गया, 51 में लागू हुआ। ये इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये देश को अभी तक मुझे लगता है सुननी चाहिए थी, देश ने नहीं इसके ऊपर ध्यान दिया। 51 को जो पहले विधान बना था अम्बेडकर जी का, उस विधान को नेहरू जी ने लागू करना था, उसके ऊपर काम करना था, और 50 में लागू हुआ। 7 महीने के बाद नेहरू जी को वो बुरा लगा विधान, और उस विधान को चेंज करने की उन्होंने कवायद शुरू कर दी। क्या किया, 1951 में एक शेड्यूल डाल दिया, नाइन्थ शेड्यूल डाल दिया। उस नाइन्थ शेड्यूल में जो भी कोई एक्ट आता है उसकी न्यायालय में जिसको वो जिसके ऊपर असर हो रहा है वो न्यायालय में जा ही नहीं सकता। तो ये देश अगर न्याय को लेने नहीं देता तो क्या करेंगे। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं, 51 से 51 के ऊपर 55 आते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं अपने दिल की बात, 55 में मैं 9th class में पढ़ता था, बच्चा था, मेरी बहन थी, और हमें नोटिस आ गया कि अपना गेहूं जो घर आपने रखा हुआ है, अपना पैदा किया हुआ थोड़ा सा 20-25 क्विंटल गेहूं, उस गेहूं को आप फौरन आप बाहर निकाल दो, नहीं तो कन्फिस्केट कर लिया जाएगा। मेरे ऊपर 9th schedule लगा है, मैं कोर्ट के पास नहीं जा सकता, न्याय नहीं मांग सकता। तो मैं खुद प्रोड्यूसर हूं और मैं खुद जो प्रोड्यूसर हूं उसको मुझे होल्डिंग की बजाय होर्डिंग करने वालों का टैग लगा दिया। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है शुरू से, जब मैं कहता हूं बीमारी कहां है, वो बीमारी अब वहां तक आई कि हमें वैल्यू एडिशन करने की इजाजत भी नहीं है। मुझे मैं आपको बताऊं, मैं धान पैदा करता हूं पैडी, और पैडी से छिलका उतार के अंदर से चावल निकालना चाहता हूं तो मुझे पार्लियामेंट के एक सवाल में मुझे जवाब मिला कि नहीं आप ये नहीं कर सकते। तो मैं वैल्यू ऐड करना चाहता हूं अपनी कमोडिटी को, उसकी इजाजत नहीं है। क्या है वजह, क्या है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की वजह से ही ये जो घनवंत जी प्याज की बात कर रहे थे वही बात है, बीमारी वहां है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हम करते हैं, ये देश ये कहता है कि पैदावार बढ़ाओ, पैदावार बढ़ाने के लिए अगर हम पैदावार बढ़ाते हैं तो हमें मार्केट नहीं जाने दिया जाता तो हम क्या करेंगे, ये देश क्या करेगा। तो मार्केट में जाने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आ गया फिर रास्ते में, और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊं मुझे कोई दिक्कत नहीं एसेंशियल कमोडिटी, लेकिन मुझे दिक्कत है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट मेरे ऊपर जो लगा हुआ है, उस एक्ट के जरिए उस एक्ट के होते हुए मैं कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकता। तो
ये देश का किसान अगर चाहे कि मुझे लिबरेट करो इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के 9th शेड्यूल के होने से, तो लिबरेट नहीं करते। ये मुझे हैरानी हो रही है कि ये शुरू में नेहरू जी ने जो 9th शेड्यूल में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट डाला, उसमें अब तक इतने साल हो गए हैं, अब देश को ये पता नहीं चला कि ये जोशी जी के शब्दों में उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी ना टास्क फोर्स ऑन एग्रीकल्चर में, उन्होंने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को ड्रैकोनियन ला कहा था। तो ये ड्रैकोनियन ला जो है, ये देश के किसानों के ऊपर इतना बड़ा आघात है कि 9th शेड्यूल में डाला हुआ होने की वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं, तो देश ने हमें, देश के किसानों को, उनमें मैं भी हूं, हमें ये कहा कि आप पीक प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। लेकिन वो कहते हैं ना, हमें मर्ज बढ़ता ही गया जूं जूं दवा की। हमने जूं जूं प्रोडक्शन बढ़ाई, तो प्रोडक्शन बढ़ाते गए, लेकिन पीक प्रोडक्शन जो है वो पीक प्रॉफिट नहीं होता, ये हमें पता नहीं चलने दिया। और ये आज भी वही हालत है। इस वक्त देश में जो जो अनरेस्ट है किसानों में, वो इसी वजह से है। मैं आपको एक और बात आप कहना चाहता हूं। देखिए, देश ने, ये बात ठीक है कि बाकी देश को खिलाना है, उनको फीड करना है, फीड करने के लिए उनको अनाज देना है, अनाज खेत में पैदा होता है, ठीक, ओके। लेकिन कितने लोग हैं जो खेती में जुड़े हुए हैं? 17% खेती में किसान हैं, और 17% लोगों को, 83% लोगों को एट द कॉस्ट ऑफ फार्मर अगर खिलाना पड़े, तो ये कहां का न्याय है? ठीक है, हम एक्सचेकर में हिस्सा अगर डालते हैं तो देना हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी अगर हिस्से में आता, अगर हमें चाहिए तो हम देने को तैयार हैं। लेकिन फिर जरा ध्यान से सोचो, ये इंटेलिजेंसिया जो है, उसने कभी सोचा है कि देश का कितना किसान, कितना बड़ा टैक्स पेयर है? उतना टैक्स पेयर टाटा नहीं है, बाटा नहीं है, बिरला नहीं है, अदानी नहीं है, अबानी नहीं है। हैरानी होगी आपको जब मैं ये कह रहा हूं कि देश के किसान का टास्क फोर्स ऑन एग्रीकल्चर की एक बात और अशोक गुलाटी की एक बात, दोनों बड़े इकोनॉमिस्ट है खेती के। अशोक गुलाटी कहते हैं कि 24% उनकी जो वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, उनके ऊपर उनका टैक्स है। जो भी इनकम टैक्स है वो प्रॉफिट के ऊपर होता है, प्रोडक्शन के ऊपर नहीं होता, वैल्यू के ऊपर नहीं होता। और जो शरद जोशी जी की टास्क फोर्स है, वो 95 के अंकड़े, जब देश के सारे अंकड़े देख के वो कहती है, तो उसमें 72% ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो हम किसान को टैक्स है, जिसको नेगेटिव मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट कहा जाता है। तो ये सारा कुछ जो है, यो बिल्कुल देश के किसानों की कॉस्ट पे, द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ये सारा अगर जो पार्टी इन पावर है, जो पॉलिटिक्स है, वो अगर किसान के ऊपर सारा बोझ डाल के उनको खिलाना चाहे, यो न्यायिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, देश के साथ भी नहीं है न्याय। और क्योंकि देश के साथ इसलिए न्याय नहीं है कि देश कानून पे चलता है, किसान के ऊपर ये भी न्याय नहीं है, क्योंकि किसान अगर हिस्सा उससे लेना है तो भाई दे दो, हम देना चाहते हैं, दे देंगे। ऐसे ही जो फिर एक इंटरेस्टिंग पार्ट, ये मैं पहले पार्ट के ऊपर ही आ रहा हूं अभी तक, जो हम वेल्थ जनरेट करते हैं आज भी, जो सारी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, जो सारे सेक्टर्स हैं, वो खड़े किस पे हैं?
जो खेत में वेल्थ जनरेट होती है आज भी उससे खड़े हैं, उसी के लिए सारे काम करते हैं। तो ये सारा कुछ होते हुए भी अगर जो बेसिक प्रोड्यूसर है उसके साथ ये जो सारे सोचने वाले लोग हैं उसका हक की बात नहीं सोचेंगे तो मुझे लगता है ये देश के हित में नहीं है। और इसीलिए अगर हमने कंपैरिजन करना है हमारी आजादी का, तो जापान और इंडिया की आजादी की उम्र करीब करीब बराबर की है। वो तबाह होके आजाद हुआ और हम ऐसे झट से हो गए। तो ये सारा कुछ होते हुए जब हमने कंपैरिजन करना है तो जो वेल्थ जनरेट करता है उसके हाथ में रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जो वेल्थ जनरेट होती है उससे छीन के इकोनॉमिक ट्रेचरीज हैं जिनको खेलते हुए ट्रेचरस लोग जो इकोनॉमी में खेलते हैं वो यहाँ से छीन के कुछ और लोगों के हाथ में देते हैं। और उन्होंने यहाँ की इंडस्ट्री ने जितना मिसयूज किया है उस फंड को, और आज भी इसी वजह से उनका लाखों करोड़ों रुपया बैड डेट कह के छोड़ दिया जाता है। और किसानों जो इतनी मेहनत से काम करते हैं उनको कहा जाता है कि ये कर्ज नहीं देते, ये तो काम नहीं करते वगैरह वगैरह। तो ये बात मैंने फर्स्ट पार्ट के ऊपर कही। अगर आपने सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट के ऊपर भी बात करनी हो तो मैं अपनी बात कहूँ। जी मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम आपके पास वापस आएंगे दूसरे और तीसरे सवाल पर, लेकिन अभी हम चलते हैं सागर जी के पास। सागर जी, क्योंकि आप पेशे से वकील हैं, कानूनी बैकग्राउंड से हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी मान साहब ने हालांकि बात तो की ईसीए की और उसके थोड़े से हमें बैकग्राउंड बताया, उसका जो इतिहास था उसके बारे में जानकारी दी, पर मेरा आपसे सवाल है कि एफटीडीआर और ईसीए के कानूनी पहलुओं को आप किस तरह से देखते हैं? मैं पहले अनिल जी और मान साहब ने जो बात की उसको ही आगे बढ़ाते हुए इस पर बात करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे भी थोड़ा संविधान के बारे में से शुरुआत करना पड़ेगा। तो आपकी परमिशन से मैं एक मिनट उससे चालू करता हूँ। तो हमारा जो संविधान है उसने बिग स्टेट को एनविसेज किया है, और जब बिग स्टेट होता है तो नेचुरली उसको मॉनिटर करने के लिए बिग गवर्नमेंट होता है, और अगर बिग गवर्नमेंट होता है तो गवर्नमेंट तो एक्ट कानूनों के द्वारा करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा कानून बनते हैं, और जितने ज्यादा कानून बनेंगे उतनी ही लिबर्टी या फ्रीडम कम होता जाएगा। लॉज एंड लिबर्टी आर इन इनवर्स रेशियो, ऐसा कहा जाता है, सिसरो ने कहा था। तो पहले से ये एक धारणा चली थी कि ये जो संपत्ति का जो अधिकार है, जो पहले फंडामेंटल राइट दिया था, तो संपत्ति का अधिकार ये डाइल्यूट होने का जो इतिहास है वो 50 से जो मान साहब ने जिक्र किया कि 51 में पहला अमेंडमेंट आया, वो जमींदारी अबॉलिशन से किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन उससे ये जो चैनल बना शेड्यूल 9, इससे राइट टू प्रॉपर्टी ये डाइल्यूट करने का पूरा इतिहास है 70s तक, जबकि बाद में 78 में 44th अमेंडमेंट के द्वारा वो फंडामेंटल राइट भी नहीं रहा राइट टू प्रॉपर्टी, और उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से रहा अंडर आर्टिकल 300A। तो इसके अंतर्गत और ज्यादा करके ये किसानों पर लागू हुआ। इसका सबसे बड़ा एक था कि सीलिंग एक्ट, बहुत से स्टेट्स में ये कानून पास किए गए जिससे कि सीलिंग एक्ट का जमींदारी से कोई ताल्लुक नहीं है, जमींदार वर द इंटरमीडियरीज, और मॉडर्न स्टेट में उनकी कोई जगह नहीं थी, और उनको भी वो मालूम था कि ये सब खत्म होने वाला है। उनका जो क्वेश्चन था वो सिर्फ कॉम्पनसेशन का था, और उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में वगैरह जाएंगे कह के वो 9th शेड्यूल लाया गया, लेकिन उसमें बाद में जो एक्ट लाते डालते गए उसमें टोटल 284 उसमें एक्ट है, और उसमें से कम 250 ये किसानों को लागू होते हैं। महाराष्ट्र के उसमें लगभग 27 एक्ट है 9th शेड्यूल में। और ये सीलिंग एक्ट के द्वारा क्या हुआ है कि फ्रेगमेंटेशन एक्ट तो इनहेरिटेंस से तो होता है, उसमें कोई द्वारा ही नहीं, लेकिन सीलिंग से भी होता है, और ये लैंड मार्केट भी रिस्ट्रिक्ट हो गया है।
इसमें अगर किसी को ऑनरेबल एग्जिट चाहिए कि वो बेच करे और अच्छी कीमत पाए, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि परचेस करने वाला वो सीलिंग के ऊपर नहीं जा सकता। ये कंसोलिडेट करके कंपनी भी फॉर्म करेंगे तो भी वो सीलिंग एक्ट उस पर लागू होता है। अभी जो एफपीओज वगैरह कहते हैं वो असल में कंपनीज नहीं है, वो ग्रुप फार्मिंग ही है। कंपनी अगर लैंड कंसोलिडेट करना चाहे और तो वो सीलिंग एक्ट उधर आ जाता है। तो जैसा कि कहा जाता है कि भारत के लिए सरकार वगैरह है और इंडिया के लिए कंपनी है, तो कंपनी फॉर्म करना भी लैंड ज्यादा से ज्यादा करके ये भी मुश्किल है। वो किसी को ऑनरेबल एग्जिट चाहिए वो भी मुश्किल है, क्योंकि दूसरे भी कई कानून है कि एक किसान की जमीन किसान ही ले सकता है वगैरह। तो इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है कि इफ द क्वांटिटी डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस इज लेस देन द क्वांटिटी सप्लाइड, द प्राइस इज नेचुरली गोइंग टू फॉल। तो जमीन कोई लेना भी चाहता है तो जो बेचने वाला है उसको कोई कीमत नहीं मिलती, तो ऑनरेबल एग्जिट नहीं कर सकता। तो एक मिडेवल सर्व की तरह उसको वो छोटे से इस पर अटैच होकर रहना पड़ता है। मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है कि एक इकोनॉमिक होल्डिंग एक साइज का होना चाहिए, लेकिन वो डिसाइड करने का राइट फार्मर को मिलना चाहिए। वो छोटे पर मिराकल दिखाए, बड़े पर दिखाए, जो कुछ है मार्केट वो ओपन होना चाहिए लैंड मार्केट का। अभी इसको जोड़कर ही ये आता है कि वो छोटे से इस पर वो काम करता है और जब उसका प्रोड्यूस मार्केट में आना शुरू होता है तब ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पूरे माइट के साथ उस पर अप्लाई होता है। अभी कानून के बारे में, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में बहुत दुनिया में ये हुआ है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ये बहुत नैरो फील्ड में होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये नाइन्थ शेड्यूल में डालने के बाद जैसा मान साहब ने जिक्र किया कि उसको चैलेंज में नहीं कर सकते। उसमें एसेंशियल कमोडिटी क्या है, एनी कमोडिटी दैट इज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, शेड्यूल में कैसा डालेंगे, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। तो एग्जीक्यूटिव वो ऑफिशियल गैजेट में कमोडिटी डालेगा और ये एसेंशियल कमोडिटीज है जो 16 सेक्शन का लॉ है वो पूरे माइट के साथ उस पर अप्लाई हो जाएगा। और नाइन्थ शेड्यूल में डालने का ही ये मतलब है कि ये एक्ट फंडामेंटल राइट वायोलेट करता है, नहीं तो उसको डालते ही नहीं उधर, क्योंकि नाइन्थ शेड्यूल में डालने का पर्पस ही ये है कि इसको ये चैलेंज नहीं होना चाहिए इस ग्राउंड पर कि ये फंडामेंटल राइट वायोलेट करता है। दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ आर्टिकल 31B एंड नाइन्थ शेड्यूल, दैट द लॉ पुट इन द नाइन्थ शेड्यूल शुड नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट वायोलेट्स द फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 32 जो था इट हैड गिवन अ गारंटीड राइट टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट इज वायोलेटेड और इनक्रोच्ड अपॉन बाय द स्टेट। और जैसा मैंने पहले कहा कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये रहता है कि गवर्नमेंट या स्टेट पर कंट्रोल होना चाहिए कि वो सिटीजन्स के या लोगों के जो अधिकार है उन पर इनक्रोच नहीं करे। लेकिन हमारे यहाँ बराबर उल्टा हो गया है कि गवर्नमेंट एम्पावर्ड हो गया, ब्यूरोक्रेसी एम्पावर्ड हो गई और जो सिटीजन्स है, जो लोग हैं और खासकर किसान, जैसा कि मैंने बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी पर जो अटैक हुआ वो सब किसानों की प्रॉपर्टी पर ज्यादा से ज्यादा हुआ है। और उसके बाद जब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आता है, जैसा कि मेरे पहले वक्ताओं ने कहा कि जब कम प्रोडक्शन होता है तब लेवी होता था और जब रिलेटिवली ज्यादा होता था तब लूट किया जाता था उस प्राइस को डालकर। अभी तो लेवी तो नहीं है, मतलब ऑफिशियली लेवी नहीं है, लेकिन ये और हथकंडे अपना कर लेवी सिस्टम को जारी रखा जाता है कि फार्मर एक कम प्राइस पर वो सेल करने के लिए मजबूर हो जाए। इसकी फिगर्स भी मेरे पहले वक्ताओं ने बता दिए है। शरद जोशी ने एक बार ये भी कहा था कि 183 रुपए अगर किसान अगर खर्च करता है तो उनका पॉलिसी यही है कि वो 100 रुपए से ज्यादा उसमें से रिकवर नहीं करे। इससे होता यह है कि वो परपेचुअली डेट में होता है, परपेचुअली डेट। और अनिल जी ने जैसा कहा कि इसलिए ये डेट इमोरल है क्योंकि उसको वो रिपे करना चाहता है, लेकिन रिपे करने की परिस्थिति में उसको गवर्नमेंट ही नहीं रखता है, इसलिए वो नहीं रिपे कर सकता। तो इसलिए वो इमोरल है
और ये परपेचुअल डेथ हो जाने के बाद उसका लाइफ राइट टू लाइफ लिव विद डिग्निटी, जो कि आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ शुड नॉट बी टेकन अवे एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन ये राइट टू लाइफ में राइट टू लिव विद डिग्निटी भी आता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। और अगर कोई इंसान कंटिन्यूसली ऐसा डेट के अंदर कर्ज के अंदर है और ही कांट लिव हिज लाइफ विद डिग्निटी, और उससे वो किसान आत्महत्याएं भी बढ़ी है। महाराष्ट्र में भी ये बहुत आत्महत्या हुई है। जो लोग रीजन बताते हैं कि वो कुछ एडिक्शन है वगैरह, वो सब फिजूल है, जैसा कि मेरे पहले वक्ताओं ने बताया, क्योंकि दूसरे सक्सेस में तो ऐसा नहीं दिखाई देता। सिर्फ यहाँ क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिकवर नहीं कर सकता है ये कानून की वजह से। और ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऐसा है कि हर हर किसान का जो एक्टिविटी है उसमें ये आड़ा आ जाता है। वो कोई टेक्नोलॉजी यूज करना चाहता है, ये बीच में आ जाता है। वो कोई नया उसको प्रोसेस, जैसा कि मान साहब ने कहा, करना चाहता है, उसमें ये बीच में आ जाता है। अभी व्हीट के बारे में भी एक व्हीट मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर है 1966 का, उसमें वो मूवमेंट को भी, उस समय वो ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह बोल रहे थे, लेकिन वो मूवमेंट पर कंट्रोल डालने के लिए उन्होंने उसी समय कानून बना दिया कि ये मूवमेंट भी नहीं होना चाहिए विद इन इंडिया। भी एक्सपोर्ट की तो बात छोड़ दीजिए, अभी उसके बाद टेक्नोलॉजी भी डिनाई किया जाता है उसी तरह से कि ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो शेड्यूल है उसमें सीड्स है, उसमें कॉटन सीड है, तो ये कॉटन सीड का फायदा लेके कॉटन सीड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर पास कर दिया गया और उसके द्वारा सीड वैल्यू, ट्रेड वैल्यू और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस ये डिसाइड करने का राइट गवर्नमेंट ने अज्यूम कर दिया खुद के पास। और अगर ऐसा करेंगे तो नया नया जो उसका इन्वेंशन है वो नहीं आएगा। एक तो पहले यहाँ GMO टेक्नोलॉजी पूरी तरह से आने नहीं देते, एक ही क्रॉप में आया है बीटी में कल्टीवेशन के बारे में, तो बाकी कोई इसमें कमर्शियल कल्टीवेशन अलाउड भी नहीं है, एक्सपेरिमेंट्स भी अलाउ नहीं करते। और जो कॉटन में है उसमें भी नया नया वो बोलगढ़ का जो वैरायटी है उसको आने के बीच में ये ऐसा रोक डाल देते हैं तो वो नहीं आ सकता है। तो ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट राइट फ्रॉम उसका सेल करने से, उसका स्टॉक करने से, स्टॉक में अगर रेट डालेंगे तो जो व्यापारी लोग हैं जो वो अपनी कैपेसिटी से परचेस नहीं करेंगे। और जैसा मैंने पहले बताया इकोनॉमिस्ट का जो ये है कि इफ एट अ पर्टिकुलर प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द क्वांटिटी सप्लाइड प्राइस इज बाउंड टू फॉल। तो इस तरह से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, फॉरेन ट्रेड एक्ट के बारे में, फॉरेन ट्रेड एक्ट का जो फॉरवर्ड है उस समय के कॉमर्स मिनिस्टर का 2015 से 2020 तक का जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वही अभी लागू है, 2022 मार्च तक उसको एक्सटेंड किया है करेंसी वोलेटिलिटी और इसकी वजह से। तो उसमें फॉरवर्ड के पहले पैरा में बोला है कि हमारा फोकस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर पे है। तो फॉरवर्ड में ही ये क्लियर हो जाता है कि ये किसानों का जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 का जो पॉलिसी है। तो इसी तरह से ये जो कानून है एंटी फार्मर लॉस, इसी की वजह से गवर्नमेंट जो काम करता है वो कानून के द्वारा करता है। और ये कानून के द्वारा शैकल्स डाले हैं फार्मर्स पर, ये शैकल्स अगर अनशैकल कर दिया जाए फार्मर्स को तो वो उस स्वातंत्र में अपने मुताबिक उनको मार्केट का रेट मिल सकता है जो फेयर हो सकता है। अभी जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल है, ये सेक्टर पूरी तरह से कंट्रोल है। 1991 में जो लिबरलाइजेशन आया, जो इंडस्ट्रीज और सर्विसेज में आया, वो किसानों के पास बिल्कुल ही नहीं पहुंचा। कुछ लोग कहते हैं कि ये लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन वगैरह की वजह से सुसाइड्स वगैरह हो गए, हो रहा है, लेकिन उसके स्ट्रेस से हो रहा है कि जो डिफरेंस हो गया दो सेक्टर्स में, लेकिन ये यहाँ पहुंचा ही नहीं, तो ये इसका कारण नहीं हो सकता है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि ये फार्मर्स को अनशैकल करना चाहिए इस सब चीज से, और इसलिए एक लिबरल थॉट
ये सेंटर स्टेज पर आना चाहिए कि प्रॉपर्टी राइट रिकॉग्नाइज होना, फार्मर्स को पूरा फ्रीडम मिलना, गवर्नमेंट का पावर्स कम होना, सिटीजन्स को एम्पावर करना, और उनके जो फंडामेंटल राइट है जो अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया मान साहब ने, उसमें जो थे फंडामेंटल राइट्स उनको सही माने में रिस्टोर कर देना और उसकी किसी तरह का एनक्रोचमेंट नहीं होना, उसके लिए शेड्यूल 9 का रद्द होना जरूरी है। ये मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी कदम है, भी यहाँ के किसान स्वतंत्र या लिबर्टी महसूस कर सकते हैं। ये मैं पहली बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी। अनिल जी मैं वापस आपके पास आता हूँ। आप तीनों ने अभी जो बात कही वो बात ये कही कि कैसे FTDR हो या फिर ECA हो, उसका किसानों के आय पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि निर्यात नहीं हो पाता, उनको अच्छे दाम नहीं मिल पाते और किसान गरीब का गरीब रह जाता है। लेकिन अब हम बात करें उपभोक्ताओं की, अगर किसान जो है उसको सब कुछ निर्यात करने दिया जाए तो किसान तो सिर्फ अपने लाभ की सोचेगा, तो ऐसे में उपभोक्ता का क्या होगा? तो चाहे वो प्याज हो चाहे वो गेहूं हो, और ज्यादातर जनता जो है वो यहाँ पर खास करके उत्तर भारत में या फिर पश्चिम भारत में भी काफी हद तक लोग गेहूं ही खाते हैं। ऐसा नहीं है दूसरी चीजों में हम कह सकते हैं कि अगर एक चीज नहीं है तो दूसरी चीज ले सकते हैं, लेकिन खाने के मामले में ऐसा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो व्यक्ति गेहूं खाता है उससे आप बोलेंगे कि नहीं तुम बाजरा खा लो या चावल खा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो गेहूं का उस महीने में कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो ऐसे में उपभोक्ता का क्या होगा? अनिल जी आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट कीजिए। बहुत आसान है ये सब करना, ये बैलेंस करना बहुत बिल्कुल मुश्किल नहीं है। गवर्नमेंट को ये एग्रीकल्चर ट्रेड में से निकाल दो, और जब भी सरप्लस होता है जिसको एक्सपोर्ट करना है करने दो, जब शॉर्टेज होता है जिसको इंपोर्ट करना है करने दो, एंड लेट द प्राइवेट सेक्टर डू इट। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंपोर्ट करना ये बंद कर दो। जब भी किसी को लगता है कि पहले अगले महीने में किसी चीज की शॉर्टेज आने वाली है तो वो ढूंढेगा दुनिया में कहाँ मिलता है इससे सस्ता, तो वहां से वो इंपोर्ट करके यहाँ डालेगा, और जब ज्यादा पैदावार होती है तो जहां उसको अच्छा ग्राहक है वह बेचेगा, तो एक परमानेंट रिलेशनशिप हो जाएगी और एक स्टेबिलिटी आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया में पिछले 10 सालों में मैंने पूछा हमारे दोस्त से वहां पर कि भाई क्या है प्याज के दाम, यहाँ कभी 100 रुपया हो जाते हैं कभी 2 रुपया हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या परिस्थिति है? उन्होंने कहा 10 सालों में हमारे $1 भी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है, क्योंकि जब शॉर्टेज दिखाई देता है तो इम्पोर्ट हो जाता है। तो इसीलिए अगर हमें ये ग्राहक उपभोक्ताओं को भी अच्छा अच्छे दाम में कुछ मिलना है तो वो डायरेक्ट सेल होने दो। ये कंपल्शन जो है कि आप मंडी में ही जाके बेचो, ये किस लिए? किसी और धंधे में है क्या ऐसा कि आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचना चाहिए? अगर हमें डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचना है तो बेचने दो, हमें और किसी प्राइवेट मंडी में बेचना है तो बेचने दो, हमें डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना है तो करने दो। अगर ये होता है तो कंज्यूमर, क्योंकि हमने जब कमिटी में काम किया तो प्याज का सवाल उठा, तो मैंने कहा भाई आपका जो कानून अभी बना है उसमें पिछले 5 साल का एवरेज अगर 100% बढ़ जाता है पेरिशेबल्स में, ऑनियन और पोटैटो में, तो फिर इन्वोक हो जाएगा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो मैंने पूछा कि भाई पिछले 5 साल का एवरेज क्या है, तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो लोग आए थे उन्होंने कहा कि 25 रुपया है, कंज्यूमर जो लास्ट कंज्यूमर है वो 25 रुपया पे करता है। तो मैंने पूछा कि इसमें से किसानों का शेयर कितना है, तो वो होता है 29.6%, यानी जब 25 रुपया ग्राहक दे रहा है तब किसान को मिलता है उसमें से 7 रुपया, और 1 किलो प्याज तैयार करने का आज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 20 रुपया, कम से कम 20 रुपया। अगर वो 20 रुपया खर्चा करता है और 7 रुपये उसे मिल रहा है और उसे ज्यादा अगर दाम बढ़ते हैं तो आप फिर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगा के इसको बैन कर देंगे, तो ये कैसे होगा? तो फिर कोई स्टोरेज भी नहीं करता, स्टोरेज नहीं करता तो सरप्लस जो शॉर्टेज होती है उस टाइम मार्केट में लाने के लिए कुछ नहीं होता, तो 100 रुपया प्याज हो जाता है। प्रोसेसिंग नहीं हो सकती इसमें, क्योंकि कभी भी कानून बदल सकते हैं, कभी भी रिस्ट्रिक्शन आ सकते हैं, तो प्रोसेसिंग में पैसे नहीं लगा रहा है।
तो ये सब अगर आपको बैलेंस करना है तो बस सरकार को निकाल दो। एग्रीकल्चर कमोडिटी में, ट्रेडिंग में सरकार का जो इंटरवेंशन है, चाहे वो फॉरेन ट्रेड एक्ट के थ्रू या एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में हो या रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रोसेसिंग एंड होल्डिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो भी हो, इसमें सरकार ने दखल नहीं देनी है। अगर शॉर्टेज है तो लेट द ट्रेडर डिसाइड वेदर टू इम्पोर्ट और नॉट। अगर सरप्लस है तो कहाँ बेचना है, लेट देम डू। सरकार ने, सरकार की जिम्मेवारी क्या है? सरकार ने, आप MSP तय करते हो कुछ क्रॉप्स की, अगर कोई इंपोर्ट करता है तो आप इतनी ड्यूटी लगाओ कि वो MSP के नीचे ना जाए। बस इतना ही सरकार ने किया तो भी बहुत हो गया। तो अगर ये होता है तो ग्राहक को भी अच्छे दाम में मिलेगा और इसमें भी मिलेगा, और जो शॉर्टेज है उसमें डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा। आज कंट्रोल कर करके आपने सॉइल सीड्स के दाम गिरा दिए तो किसान ऑयल सीड नहीं कर रहा था। हम जब नए नए स्थिति में आए एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन के बाद, तो हम सूरजमुखी उगाते थे, मूंगफली करते थे, लेकिन उसमें पैसा नहीं मिलना तो हमने छोड़ दिया। हम अभी गन्ना उगा रहे, उसमें 6 पैसे मिल रहे, तो प्याज करते हैं उसमें कभी कभार ऐसा ही लक लग जाता है। हम नहीं करते सूरज में, क्यों नहीं करते? पैसा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करता है। इसलिए अगर आप इसमें से ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दो और उसको नेचुरल प्राइस जो इंटरनेशनल मार्केट हमें दे रही है वो अगर किसानों को मिले, तो ये जो शॉर्टेज है हमारा, ये जिन क्रॉप पे हम डेफिसिट है वो हम भर के सरप्लस हो सकते हैं, एक्सपोर्टर्स बन सकते हैं। और इसमें नई नई टेक्नोलॉजीज भी आनी चाहिए, वो तो अगले क्वेश्चन के बारे में उसमें डिटेल में जाऊंगा। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन तभी होगा जब किसानों को कुछ इंसेंटिव मिलेगा। पंजाब और हरियाणा का किसान क्यों गेहूं और चावल ही करता है? तो उसमें अश्योर्ड है इनकम उसका। अगर आप जो आज इसको 6,000 का ये दिया, MSP दिया है आपने दलहन को या तुअर को या रेड ग्राम को, उसको 100-150 रुपया कर दो, आधा पंजाब ये उगाना शुरू कर देगा। अगर ऐसी नीतियां होती है, आप अगर इंसेंटिवाइज करते हैं तो निश्चित तौर पर डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। जहां जहां भी हम डेफिसिट है वो हम शॉर्टेज भर के उसमें आ सकते हैं। और स्टोरेज और प्रोसेसिंग में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। वो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, पानी की व्यवस्था, वहाँ पे रास्ते और जो फाइनेंस अवेलेबल करना चाहिए स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए, वो होना चाहिए। कि स्टोरेज कब काम आता है? जब शॉर्टेज आती है तो स्टोरेज में जो माल होता है वो ग्राहकों तक पहुँचता है, और जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो साल भर वो माल रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑनियन है, जब ऑनियन का सरप्लस होता है तो 2 रुपया किलो हमें बेचना पड़ रहा है। उस समय अगर कोई इन्वेस्टर आता है, वो डिहाइड्रेशन का यूनिट लगाता है, 1,000, 2,000, 5,000 टन वो ड्राई करके रख देता है, तो जब भी शॉर्टेज आता है, दाम 50 रुपए से आगे जाते हैं, तो ये मार्केट में आ जाएगा, लोग उसको भी खाएंगे। आज हमारी वो हैबिट नहीं है या तो इस तरह का खाने की, लेकिन जब नौबत आती है तो खा सकते हैं। और एक बार खाने शुरू कर दिया तो अवेलेबल होगा साल भर। टोमेटो का प्रोसेसिंग हो, पोटैटो का हो, ऑनियन का हो, जो भी पेरिशेबल है वो सब प्रोसेस करके रख सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी है, सिर्फ उसके लिए फाइनेंस देना और इसमें उंगली नहीं डालना, इतना ही सरकार ने किया। तो ग्राहक को, उपभोक्ता को भी सस्ता मिलेगा और किसानों को भी अच्छे दाम मिलेंगे। बस द प्रॉब्लम इज गवर्नमेंट, वही एक मुसीबत है। गवर्नमेंट को निकाल दो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। मान साहब, अनिल जी ने प्याज की बात कही कि प्याज के व्यापार में से सरकार को निकाल दें तो मार्केट अपने आप बैलेंस कर लेगी। प्याज के मामले में एक बार हम ये बात मान भी लें, लेकिन गेहूं के मामले में हम ये बात कैसे माने? क्योंकि अभी जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, वो उसके बारे में सबको नहीं पता था कि ऐसा युद्ध होगा और एकदम से गेहूं की शॉर्टेज हो गई। अब अगर किसानों को बिना किसी रोक टोक के अगर गेहूं का निर्यात करने दिया जाए तो फिर हमारे देश में तो गेहूं की ऐसे कमी हो सकती है, तो ऐसा सरकार कैसे डिसीजन ले पाएगी? आप म्यूट पर हैं भूपेंद्र जी। ठीक, अब ठीक है, अब ठीक। बड़े इकोनॉमिस्ट
उनका नाम है जेसी जैक्सन, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक वाक्य कहा किसी वक्त, दैट द बेस्ट पॉलिसी स्टार्ट्स विद द बेस्ट रूरल पॉलिसी। तो जो अर्बन पॉलिसी का करना है वो बेस्ट रूरल पॉलिसी होना चाहिए। अब मैं ये जो आपका गेहूं का और ये सारे को देखता हूं कि अर्बन इश्यूज जो हैं आपके जहन में आते हैं, देश के जहन में आते हैं या पॉलिटिशियन के जहन में आते हैं, अर्बन कौन है? देश का करीब करीब 1/3 हिस्सा जिसको अर्बन पॉपुलेशन कहा जाता है, उस 1/3 अर्बन पॉपुलेशन में फिर आधा आधा एफ्लुएंट पॉपुलेशन है, बाकी कुछ पॉपुलेशन जो है वो इंडस्ट्रियल लेबर है, जो एग्रीकल्चर लेबर से कम 3-5 गुना ज्यादा उसको पुगार मिलती है। तो ठीक है, वहां कुछ अर्बन पॉपुलेशन में कुछ ऐसे भी हैं जिनको कम भी थोड़ी बहुत होगी, लेकिन वो बहुत माइक्रो है। अब सवाल ये है, जिसको पॉलिटिशियन अर्बन पॉपुलेशन का नाम दे के ये कहता है कि अब अर्बन पॉपुलेशन कहां जाएगी, तो उसके जहन में ये क्यों नहीं आता कि जो जो देश की बैकबोन जिसको हम कहते हैं वो अगर वो ही खत्म हो गई तो कहां जाएंगे? अब सवाल मैं आपको एक और खड़ा करता हूं, आपने यूक्रेन की और रशिया की और वो सारी बात की, मुझे लगता है हमें देश को ये सोचना बनता है कि रशिया कैसे टूटा, जिन नीतियों और जिन लोगों ने जिस तरह सोच ने रशिया को तोड़ा और बिखेर दिया, वो नीतियां अगर यहां रहेंगी, जो नेहरू जी उसके कायल बहुत थे, तो अगर वो नीतियां यहां रहेगी तो देश का तो वही हाल होने वाला है। मुझे डर है कि देश को ध्यान करना चाहिए कि ये उस तरह की सोच देश में ना पनपे, देश को जो देश का यहाँ का एक्चुअल प्रोड्यूसर है उसको सोचना चाहिए, ना कि पैरासाइट को। अगर हम ये सोचें कि पैरिटी अगर करनी हो, तो पैरिटी को देख के जब हम सोचते हैं कि जो रियल टर्म्स की खेत में काम करने वाले की, एग्रीकल्चरिस्ट की, किसान की, फार्मर की जो रियल टर्म्स में इनकम है, उसके वो कीमत मत देखो, रियल टर्म्स में उसकी हर साल 1955 से कम होते होते कम होती जा रही है। जो परचेजिंग पावर ऑफ वीट 1955 में थी, वो परचेजिंग पावर ऑफ वीट अब 2020 में नहीं है। उसमें कैलकुलेशन, अब उसमें बारीकी में जाएंगे तो बहुत बारीकियां हैं, बारीकी में जाएंगे तो सबको पता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो एक क्विंटल गेहूं 55 में जो खरीद सकती थी, अगर सोने की बात कर लें, मशीनरी की बात कर लें, लोहे की बात कर लें, सीमेंट की बात कर लें, डीजल की बात कर लें, मोबिलाइल की बात कर लें, किसी भी चीज की बात कर लें, तो एक क्विंटल गेहूं जो वहां उस वक्त खरीदती थी उसका उसका 5% भी गेहूं आज ना उससे क्या कहते हैं 20 गुना गेहूं वो उतना नहीं खरीद सकती। इसका मतलब यह है कि परचेजिंग पावर ऑफ द एग्रीकल्चर कमोडिटीज और उनकी कीमतें इन रियल टर्म्स हर साल हर समय, भले वो सो कॉल्ड एमएसपी होती हो, वो कम होती जा रही है। अब मुझे लगता है कि आपका ये कि अगर यहाँ की बात हो तो यहाँ डेफिसिट हो जाएगा तो क्या करेंगे, डेफिसिट नहीं होगा। मैं आपको बता, अगर आज देश के किसान को डी इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, इंसेंटिव की बजाय हम उसको उसको
ये कर रहे हैं कि वो उसको रुकावट खड़ी कर रहे हैं। अगर उसकी ये रुकावटें खत्म हो जाएं और उसको खुल के काम करने दिया जाए तो वो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी यहाँ से बहुत बड़ी है। मिसाल के तौर पे अभी 5-10 दिन हुए ना, सरसों को यहाँ हमारे साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की, मैं उनको सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ, जिन्होंने ये काम किया कि सरसों के उन्होंने नई टेक्नोलॉजी से ऐसा बीज तैयार किया कि सरसों की पैदावार बढ़ सकती है। लेकिन वही वो लोग इसको लागू नहीं होना देते। वो ये क्या सोचते हैं कि रशिया से आएगा, वो सोचते हैं चाइना से मंगवाओ। तो उनकी सोच जो इस वक्त ये सोचने वाले लोग हैं कि उनका इंटरेस्ट क्या है, मुझे समझ नहीं आता। अगर वो रशिया से वही ऑयल आए तो वो कहेंगे अब ये ठीक है, जीएम ऑयल आता है, इसमें कुछ नहीं है। वही चाइना से आए तो वो कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अरे क्या करते हो, ये देश को बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शन लेनी चाहिए कि अब ऐसे लोग जिन्होंने किसी वक्त, मैं आपको बताऊं, मैं उस वक्त मुझे समझ थी, मैं समझता था कि यहाँ जो पंजाब में डैम बनाना, भाखड़ा डैम, इसका विरोध कर रहे थे वो लोग। उन लोगों ने विरोध पता क्या किया, उन्होंने कहा कि ये जो डैम बन रहा है ना, उसमें वहां से बिजली निकल जाएगी, जो पानी आएगा उसमें बिजली निकली होगी, उस पानी से वो पानी जो फसलों में लगेगा तो फसलें जो खाएंगे लोग वो बांझ हो जाएंगे, उनको बच्चे पैदा करने की ताकत नहीं रहेगी। अरे क्या बात करते हैं, यहाँ के साइंटिस्ट ने उसको, इस देश के साइंटिस्ट को अगर हम इज्जत नहीं देते तो वो बाहरले देशों में जाके उनको जब बैठते हैं तो वो देश उनको नोबेल प्राइज देते हैं, नोबेल लॉरेटी कहते हैं, वो फखर महसूस करते हैं, और हम कहते हैं वो हमारे देश की पैदावार। अरे क्या बात करते हो, अगर वो यहाँ रहते तो उनको हम कर सकते थे। और इसी तरह से मैं आपको कहूं कि ये झूठा बैकबोन कहते हैं, इनके मन में नहीं है, ये मन में ये कहते हैं कि हल्ला गुल्ला मचाने वाले लोग हैं, वो जो कहते हैं वो करते जाओ। अब ये जो आपको या देश को ये ख्याल होगा कि अगर गेहूं एक्सपोर्ट शुरू हो जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ तो भूखे मर जाएंगे। अरे क्या बात करते हो, अगर मुझे पता है, मैं तसल्ली से कह सकता हूँ, अगर आज भी आप गेहूं की कीमत पाकिस्तान में, यहाँ जहां मैं बैठा हूं ना बटाला में, अमृतसर के थोड़ी दूर हूं बिल्कुल, और अमृतसर से 20-25 किलोमीटर वाघा बॉर्डर है, वहां से पाकिस्तान शुरू होता है, और पाकिस्तान में यहाँ की गेहूं से 3 गुना कीमत है। यार क्या बात करते हो, वहां के लोग नहीं खाते, वहां के लोग नहीं जीते, वहां के लोग नहीं आगे बढ़ते। और अगर हमें अरब देशों को यहां से खुला होने दो तो हमारे लड़के तो यहाँ ट्रकों से फ्रांस तक, इंग्लैंड तक ले जाएंगे भाई वो सारी चीजें, और वहां से ले आएंगे। लेकिन लेकिन ये पॉलिटिकल इशू बना के ये देश के किसानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, होता रहा है शुरू से, मैं 51 से कह रहा हूं कि होता आ रहा है, अब ये बंद होना चाहिए। कम से कम आज तो ये बंद होने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि प्रोडक्शन कम नहीं होगी, प्रोडक्शन तो आगे बढ़ेगी, लेकिन प्रोडक्शन के रास्ते में रुकावटें खड़े करने वाले जो षड्यंत्र हैं उनको टैकल करना, ये तो देश का काम, ये देश ने सोचना है। बस इसके बारे में तो मैंने यही कहना था। थैंक यू।
सागर जी, अभी जैसे हमने अनिल जी की, मान साहब की बात सुनी, आपने भी ईसीए के बारे में और एफटीडीआर के बारे में बताया, तो एक बात जो समझ में आ रही है कि ईसी और एफटीडीआर जो है वो दोनों किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए बहुत अच्छे कानून नहीं है, उन्हें हटाया जाना चाहिए। पर आपको क्या लगता है कि राजनीतिक तौर से, राजनीतिक रूप से क्या है कि व्यवहारिक समाधान है? आपको लगता है कोई राजनीतिक पार्टी कभी भी भविष्य में इसको एकदम से कानून को पूरी तरह रिपील करेगी? कर सकते हैं, अगर लिबरल विचारधारा को सेंटर स्टेज मिल जाता है और उसी प्रकार की पार्टी अगर सत्ता में आ जाती है, जैसे कि अभी स्वतंत्र भारत पार्टी है, तो वो रिपील भी कर सकती है। लेकिन अभी कम से कम अभी वो जो 2020 में अमेंडमेंट आया था वो तो आया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही उसके इकोनॉमिक सर्वे में ही 2019-20 के ये आ चुका था कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से सिर्फ फार्मर का नुकसान हो जाता है और ट्रेड डिस्टॉर्शन हो जाता है और इससे इन्फ्लेशन में कोई भी फायदा नहीं हो जाता है और इसमें सिर्फ रेंट सीकिंग और हैरेसमेंट बढ़ता है, तो गवर्नमेंट करप्शन ही बढ़ता है इससे। इससे ना तो इन्फ्लेशन कम होता है, एक तरफ से तो किसान मारा जाता है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन में भी उसका कोई असर नहीं होता है। ये सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक और गवर्नमेंटल करप्शन का ही एक दायरा हो गया है। ये इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 में ये मान चुके हैं और इसलिए वो 2020 में अमेंडमेंट आया था कि कृषि कानूनों को, कृषि उत्पादों को इसी एक्ट से निकालेंगे, लेकिन उतना सफिशिएंट नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब तक वो कानून है तब तक वो शेड्यूल में कोई भी कमोडिटी कभी भी डाली जा सकती है। जैसा कि अभी वक्ताओं ने कहा, उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा और जो उन्होंने कहा वो मैं दोहराना चाहूंगा कि फिजिकल एक्सेस का वैसा प्रॉब्लम नहीं रहा अभी। शॉर्टेज जो है, वो जो शॉर्टेज है वो एट अ पर्टिकुलर प्राइस है और अगर यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में अगर किसानों को पूरा फ्रीडम दिया जाता है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी यूनिलैटरल फ्री ट्रेड किया तो भी किसानों का कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। अभी जो उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है इंपोर्ट से, वो इसी वजह से कि यहाँ डोमेस्टिक मार्केट का प्राइस उसके द्वारा स्लैश किया जाता है और पुअर लोगों का जो है फिजिकल एक्सेस का तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो रहेगा इकोनॉमिक एक्सेस का, तो वो दूसरी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जा सकता है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के द्वारा किया जा सकता है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी थ्रू प्राइवेट सेक्टर मेंटेन किए जा सकते हैं और कुछ सोशल इंश्योरेंस भी डिजाइन किया जा सकता है। तो प्रैक्टिकल कितना है इसका मैं भी समझता हूं कि जिस तरह की विचारधारा इस वक्त चल रही है, क्योंकि बिग गवर्नमेंट है, जो नेहरू जी ने सोशलिज्म के इसमें जो बिग गवर्नमेंट बनाया वही मोदी जी चला रहे हैं और जो उनको अपोजिशन पार्टीज मेन है उनका भी वो सोशलिस्ट ही दृष्टिकोण है, तो लिबरल विचारधारा सेंटर स्टेज पर आकर जब तक लिबरल सोच सत्ता में उतनी ताकत से नहीं जाती तब तक शायद ये रिपील ना हो, लेकिन उस पर आवाज तो उठती रहनी चाहिए कि ये हैम्पर कर रहा है, नाइन्थ शेड्यूल हैम्पर कर रहा है किसानों को, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कर रहा है, फॉरेन ट्रेड एक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर पर ही ध्यान दे रहा है और किसानों को एक्सपोर्ट फ्लिमजी रीजंस के लिए वो एक्सपोर्ट बैन कर देता है। और मैंने कुछ फिगर्स पढ़े अभी कि एक्सपोर्ट एक्चुअली अक्टूबर तक जो गेहूं का हुआ है वो पिछले साल से 10% ज्यादा ही है। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुआ है, फूड सिक्योरिटी के लिए जो गवर्नमेंट ने मांगा था उससे, तो क्या बुरा होता है किसानों की तरफ से ही उतर जाता। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर ये बैन नहीं रहता तो यहाँ लोगों को खाने को नहीं मिलता। एक्सपोर्ट एक्चुअली पिछले साल से बढ़ चुका है गेहूं का भी। धन्यवाद। बराबर। ऑडियंस में से एक सवाल अभी आया है मान साहब और अनिल जी, मैं आप दोनों से सवाल पूछूंगा। उसमें सवाल में तो हालांकि अभी हाल की बात कही है पर मैं उसको शुरू में लेकर जाता हूँ। आपने बात की थी विधान की, यानी संविधान की, 1951 उसमें अम्बेडकर जी के संविधान में जो पहला संशोधन हुआ 1951 में, कोई प्रोटेस्ट देखने को शायद नहीं मिले, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। उन्होंने
प्रॉपर्टी राइट्स में, फ्रीडम ऑफ स्पीच में, आजीविका के अधिकार में, इन सब में पहले ही संशोधन में तीनों राइट्स को उन्होंने पूरी तरह से काट दिया। फिर उसके बाद जब प्रॉपर्टी राइट्स का को फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों में से हटाया, तब भी कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। ईसीए और एफटीडीआर जैसे कानून है, इसके अगेंस्ट में कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। लेकिन जब रिफॉर्म आते हैं और तीन फार्म लॉज पास हुए तो बहुत प्रोटेस्ट हुआ, और फार्म लॉज जब रिपील हुए तब भी कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। तो ये बात मतलब ये हमें समझ में नहीं आती। दूसरा, एक तो कि क्यों फार्मर जब ऐसे उसको दबाने वाले कानून आते हैं तब प्रोटेस्ट नहीं होता, लेकिन जब उसको मुक्ति देने वाले कानून आते हैं तो बहुत प्रोटेस्ट होता है। और दूसरी बात कि ऐसे में सरकार वो राजनीतिक इच्छा शक्ति कहाँ से लेकर आए जिससे वो आगे रिफॉर्म की तरफ अपना कदम बढ़ा सके। अनिल जी आप म्यूट पे हैं। हाँ जी, इसमें ये जो पार्ट है कि भाई आंदोलन क्यों नहीं हुआ इसके खिलाफ, तो आंदोलन करना आजकल इतना आसान नहीं है। ये जो दिल्ली में आंदोलन चला एक साल तक, वो उसका फंडिंग कहाँ से आता है क्या है, ये इस पे बहुत चर्चा हो चुकी है। लेकिन जो समर्थक है इसके, इनके पास कोई ऐसी तरह की इस तरह की फंडिंग नहीं है। दिल्ली में अगर 50,000 किसान लेके आना है तो करोड़ों रुपया लगते हैं, और ये पूरा स्कैटर्ड है। दिल्ली का जो आंदोलन हुआ था वो बस दिल्ली के नजदीक के जो जिले हैं उसमें से किसान आते थे जाते थे, उनको ज्यादा खर्चा नहीं था। लेकिन पूरे देश का जो किसान था, वो जो समर्थन में थे, वो पूरे देश भर बिक्रे हुए थे। उनको एक जगह लाना बहुत ही खर्चा वाला काम था और बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन हमारा जो विरोध है, हम इसमें आर्टिकल्स बनाए थे, हमने वीडियोस बनाए थे, हमने गवर्नमेंट को लेटर लिखे थे, और ये सब चल रहा था। और उसके और कमेटी भी कमेटी का रिपोर्ट भी गया है, और उस रिपोर्ट में 70% किसान संगठन तो समर्थन में थे, ऐसा क्लियर उसमें से निकल के आया है। तो और क्या, हर बार वो किसान के खिलाफ किसान खड़ने की भूमिका, खड़ा करने की भूमिका हम नहीं ले सकते। और जब भी अभी 19 दिसंबर को जीएम के खिलाफ किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच और ये सब मिलके किसानों को दिल्ली लेके जाने वाले हैं। अभी वो गांव-गांव घूम रहे हैं, किसानों से ट्रेन टिकट के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और उनको लेके वहां पर आ जाएंगे। और इन लोगों के पास पैसा है, लेकिन जो समर्थक है ऐसे स्कैटर्ड है पूरे देश में, और इन सबको एक जगह लाना मुश्किल है। वो भी करने की कोशिश करेंगे लेकिन उसको समय लगेगा। आज तक तो हम ये इंटेलेक्चुअली ही इस बात को रखेंगे, लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसा हो रहा है। और जब कानो एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट या 9th शेड्यूल आया तब विरोध नहीं हुआ। तब तो सब कुछ नया नया था, लोगों को लगा कि अपने लिए अच्छा होगा, देखेंगे उसका क्या होता है। लेकिन वो आगे चल के इतना खराब हो गया। तो मुझे तो लगता है जब तक शरद जोशी इस सीन में नहीं आए, वो किसान नेता बन के उभर के नहीं आए, तब तक किसी ने इसके खिलाफ नहीं किया। और हमारे संगठन ने तो शेड्यूल 9 की जो कॉपी जलाई, हमारे अध्यक्ष थे रवि देवांग, उन्होंने धुलिया में प्रोसेशन निकाल के शेड्यूल 9 की कॉपी जलाई, और वो अंबेडकर जी का फोटो सर पे लेके उनका जय जयकार करते करते शेड्यूल आया, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला, वो छूट गए आगे चल के। लेकिन ये आंदोलन हो रहा है, लेकिन बड़े पैमाने में करना आज तो भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसे ऐसे आंदोलनों में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। लेकिन विरोध तो हो रहा था पहले से, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने खुद विरोध किया था इसको। ठीक है, थैंक यू। मान साहब म्यूट। मान साहब अनम्यूट कीजिए। ठीक है, मैं इसमें कुछ ऐड करूं। जो हमारे किसी मित्र ने ये सवाल किया है वो बिल्कुल लोगों के जहन में ये बात आती है कि विरोध वाले इतना कर सकते हैं तो समर्थन वाले क्यों नहीं कर सकते। सिंपल बात है, वो ये मैं आपको बताऊं।
कि क्योंकि एपी सेंटर पंजाब था उस सारे विरोध का, और जो एपी सेंटर में सारे लोग हैं मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं, और जो उसमें वक्तव्य दिया जा रहा था वो ये था कि जमीनें छीन जाएंगी, अडानी अंबानी आपकी जमीनें छीन लेगा। आप मुझे बताओ, कम से कम मैं तो झूठ नहीं बोल सकता। तो झूठ के आधार पे जो संघर्ष खड़ा होता है वो ऐसे ही टूटता है जब अब टूटा हुआ है। अब ऐसे संघर्ष वो सारा टूटा है, आपस में गाली गलौज, आपस में बहस मुबासा, वो सारा आपस में एक दूसरे के ऊपर दूषणबाजी वो चल रही है। तो ये सारा जिस तरह का जो पॉजिटिव अगर कोई किसी को बात करनी हो तो और बात है, अगर डराने वाली नेगेटिव बात करनी हो और उसका आधार गांधी जी के वक्तव्य के मुताबिक सत्य होना चाहिए, तो सत्य तो हमेशा चलता रहता है, तो असत्य जो है वो ठीक है एक बार तो बढ़ता है बहुत ज्यादा बड़ा। आपको मैं जो मित्रों ने ये सवाल किया है उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये ठीक बात है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो एक कमेटी उन लोगों से बात करने के लिए बनाई थी उसमें मुझे भी लिया था, और वो उसका हमें क्या था आदेश, क्या था कि उन लोगों से बात करो, बात करके कुछ ना कुछ देखो कि कुछ बात हो सकती है, उनका क्या है वो कहना है, और उसमें एक दूसरे से डायलॉग तो होनी चाहिए। लेकिन जो लीड कर रहे थे उनकी सोच ये थी कि हमने डायलॉग नहीं करनी है तो बात नहीं करनी है। तो मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से ये रिक्वेस्ट करके कि साहब आपने मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है, अगर वो बात ही नहीं करना चाहते तो हम करेंगे क्या। तो वो बात इसलिए नहीं करना चाहते थे कि डायलॉग करने में जो पोल थी उनके सारे में वो आगे बढ़ती नहीं थी। मुझे लगता है एक तो ये बात थी जो वहां आंदोलन इतना बड़ा, दूसरी ये बात कि इस आंदोलन के होते हुए ऐसे भावनाएं कि चलो भाई चलो, अब जैसे देश उठ खड़ा हुआ है तो ये भावना खड़ी हो गई, लेकिन उस भावना के पीछे जो वास्तव में इकोनॉमिक तथ्य होने चाहिए थे वो ना होने की वजह से वो आंदोलन भले ही कितने देर चला, कितनी मुश्किलों में चला, सारी दुख तकलीफ झेले, सारा कुछ हुआ, लेकिन आखिर में क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें जो फोर्सेस यहां बैठा पंजाब में मैं देख रहा हूं, अंदाजा है कि जो फोर्सेस वहां थी उनको देखते हुए हो सकता है मेरे से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर को तो पक्का हो सकता नहीं, पक्की बात है प्राइम मिनिस्टर साहब को तो ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो उस इंफॉर्मेशन को देखते हुए उन्होंने एकदम कहा कि ठीक है हम इसको वापस लेते हैं। अब वो ये जिसको हम हिस्टोरिकल पीसफुल आंदोलन कहते हैं, उस आंदोलन की उसमें जो तथ्य थे, जो मीडिया में इतने आए, जो लोगों में प्रचार इतना हुआ, उसमें जो ठीक है जब लोग जाते हैं तो फंडिंग भी लोग करते हैं तो होता है, वो तो खर्चे होते हैं, लोगों ने खुद बे खुद गए ट्रैक्टर लेकर गए, सारा कुछ हुआ, लेकिन हर किसी से जब पूछते थे जिसकी आधा किला भी जमीन है, एक कनाल भी जमीन है, वो जब जाता था तो उसको पूछते ना भाई ना मेरी तो जमीन छिन जाएगी। तो ये बात जो फैलाई गई वो मुझे लगता है उसी तरह फैलाई गई जैसे मैंने कहा कि जो डैम यहाँ का बना और उसमें ये कहा कि उसका जो पानी आएगा उसमें बिजली निकाली होगी, तो इस तरह का हुआ। आखिर में सच सच ही होता है।
तो अब भी देश को अगर ये लगता है किसी मित्र को कि जो पॉजिटिव बात करने वाले हैं उनको भी आंदोलन करना है, तो उनको झूठ बोल के तो आंदोलन कर नहीं सकते, उनको सच बोल के करना होगा। और सच जैसे मैं कह रहा हूं, 9th शेड्यूल की बात और लिबरलाइजेशन की बात और किसान को लिबरेट करो, गांधी जी ने जब ये कहा होगा किसी वक्त कि आप गरीब के ऊपर से उठ जाओ, गरीब खुद उठ जाएगा, उसमें ताकत है उठने की, तो ये उनका वाक्य गलत नहीं होगा। मुझे आज भी लगता है ये ठीक है और इस बात को आगे बढ़ना चाहिए। गरीब का नाम लेके, गरीब को ऊपर चढ़ के उसका बोझ डाके ये लोगों में भ्रम फैलाना कि हम गरीब के हित में, ये ठीक नहीं है। ये देश के हित में ये है कि देश को लिबरेट करना चाहिए, लोगों को काम करने देना चाहिए, बिजनेस करने देना चाहिए, और अगर किसान खुद उसमें वैल्यू ऐड करनी चाहे तो उसको हक होना चाहिए, उसको अगर वो प्रोसेस करना चाहे, उसको मार्केट करना चाहे, उसको जो करना चाहे, उसको हक होना चाहिए। ये छीना हुआ है, देश को चाहिए कि ये छीना हुआ हक उसको दिलाना है। ये एक और आपने ये सवाल में मित्रों ने ये पूछा है कि उस वक्त नहीं हुआ, ये मैंने आपको पहले कहा जब ये 1955 हुआ, मैं 9th में था। मैं आपको बताऊं सच बात, ये आपको बताऊं, मेरे फादर पार्टीशन में उनका देहांत हो गया था, बहुत लोग, लाखों लोग काटे गए, क्या क्या हुआ पार्टीशन में, इधर के उधर, उधर के उधर गए, हम, मेरी मदर, दो बहनें और मैं, हम बच्चे थे। जब ये नोटिस हमें आया मेरी माँ को कि अपनी गेहूं निकाल दो, तो एजिटेशन उस वक्त मेरी माँ की थी, उसने कहा ये आजादी कैसी, इस आजादी से तो वही अच्छा था, ये एक मन की एजिटेशन थी। तो एजिटेशन ऐसे होती है, वो हुई, मेरी माँ की एजिटेशन उस वक्त थी, और उसी तरह की एजिटेशन वो भी थी जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर होते हुए चंडीगढ़ से एक ट्राली गेहूं के लेके निकला था। चंडीगढ़ से 18 किलोमीटर दूर डेरा बसी है, वहां मुझे गिरफ्तार कर लिया था और मेरे साथ और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है कि बात ये कि तुम ये गेहूं पंजाब की हदूद से बाहर नहीं ले जा सकते, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और 9th शेड्यूल। अरे क्या बात करते हो एजिटेशन की, एजिटेशन तो सारे देश को करना चाहिए, मैं समझता हूँ ये किसी किसान की नहीं, ये सारे देश की दुविधा है कि इसको करना चाहिए। अगर सच में देश को लिबरेट किया हुआ, तो मैंने ये कहा कंपैरिजन अगर करना है तो इंडिया और भारत, भारत को जापान से करना चाहिए, ना कि किसी और देश से। थैंक यू। मेरे ख्याल से आज का जो डिस्कशन था, हमारा विचार विमर्श था, बहुत ही काफी अच्छा रहा, और इसको निष्कर्ष जो है वो मान साहब ने जो गांधी जी को कोट किया कि गरीब के ऊपर से उठ जाओ तो गरीब अपने आप उठ जाएगा, इससे खूबसूरत उसके लिए कोई पैगाम और नहीं हो सकता। तो आज का डिस्कशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं तीनों पैनलिस्ट का, सागर जी, भूपेंद्र सिंह जी और अनिल जी का, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार कि आप आज के पैनल डिस्कशन में आए और अपने विचार आपने सबके सामने रखे। सब ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे कलीग्स अर्जुन और आस्था का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया।